Hello everyone, how are you? I hope that you all are doing well. You all are doing fine. आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने प्रेजेंट हुई हूँ, एंड दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टॉपिक ऑफ योर कल्चरल स्टडीज, विच इज योर न्यू लेफ्ट. बहुत सारे लोगों के बीच में ये एक कंफ्यूजन होता है कि न्यू लेफ्ट है क्या, क्या इसे मार्क्सिज्म में पढ़ा जाए या फिर इसे कल्चरल स्टडीज में पढ़ा जाए. एक्चुअली न्यू लेफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मार्क्सिज्म से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिलेटेड है. आई वुड से दैट कि 100% और इवन 50%, 2 or 3% ऑफ इट इज रिलेटेड टू मार्क्सिज्म. बाकी का अगर आप चीजें देखेंगे तो ये कल्चरल स्टडीज से रिलेटेड है, राइट? ये कल्चरल स्टडीज से रिलेटेड है. अगर आप नाम देखे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आया होगा कि इफ देयर इज न्यू देन देयर मस्ट बी समथिंग ओल्ड. अब क्या है ना कि 1960s के पहले से जो लेफ्ट का कॉन्सेप्ट चलते आया था वो बेसिकली रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और यू कैन से कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक चीजों पर वो फोकस कर रहा था, एक इकोनॉमिक रिफॉर्म पे फोकस कर रहा था. बट ये जो 1960s के आसपास जो आता है, स्पेशली और 1968 वाला जो ईयर होता है आपका, उसमें ये इकोनॉमिक से शिफ्ट देखने को मिलता है टू योर सोशल, राइट? अभी क्या है, ये पूरी चीजें पहले वो देखते हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से राइटर्स जो है वो न्यू लेफ्ट में फॉल करते हैं फ्रॉम योर कल्चरल स्टडीज. सबसे पहले तो थोड़ा इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, हुआ क्या है, क्या चीजें हैं यहाँ पे जो मैटर करती है न्यू लेफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में. फर्स्ट इज योर प्रोटेस्ट एंड अनदर इज योर व्हाट, कल्चरल रिवोल्यूशन. अब 1960s का कुछ ऐसा ईयर था, स्पेशली 1968, 1969, ये दो ऐसे ईयर थे जहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगी. वियतनाम वार हुआ, इसके बाद आपको देखने को मिलेगी कि बहुत सारे यूएस के लोग जो है वो उठकर आने लगे और वो एंटी वॉर मूवमेंट यहाँ पे लेकर सड़कों पर उतर गए थे. सो 1960s में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट आए जो एंटी वॉर को यहाँ पर दिखा रहे थे और सिविल राइट्स के लिए वो फोकस कर रहे थे, वो सिविल राइट्स मांग रहे थे. कल्चरल रिवोल्यूशन भी देखने को मिला. कल्चरल रिवोल्यूशन में एक सबसे बेस्ट अगर आपको देखने को जो चीज मिलेगी, जो कि आप जेंडर रिवोल्यूशन में भी काउंट कर सकते हो, वो है आपका स्टोन वॉल रायट मूवमेंट, और या फिर स्टोन वॉल रायट की जगह आप रेबेलियन भी आप डाल सकते हो. एक्चुअली हुआ क्या था वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, बट इससे क्या होता है, इससे गे लिबरलिज्म भी यहाँ पे निकलता है, इससे आपका जो है एक एक होमोसेक्सुअल रिलेशन भी निकल कर बाहर खुलेआम निकलता है जब यहाँ पे स्टोन वॉल रायट होती है. तो कल्चरल रिवोल्यूशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो सो कॉल्ड एक सेटअप नॉर्म्स और सो कॉल्ड एक सेटअप रूल चलते आया था कल्चर में इतने सालों से, जमानों से, डेकेड एंड सेंचुरी से, वो 60s में, 1960s में आते आते क्या हो गया था, वो बहुत ज्यादा ठप होने लग गया था. कि फेमिनिज्म भी यहीं से शुरू होने लग गई थी, स्टोन वॉल राइट भी आपको देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं यहीं से शुरू होने लगी थी. फेमिनिज्म तो चल ही रही थी बट स्टोन वॉल राइट भी यहाँ पे आपका हुआ ही हुआ था. साथ ही साथ बहुत सारी कल्चरल रिवोल्यूशन जो है वो इन्फ्लुएंस आपके इनर इनर स्टेट में भी हुए थे, वो भी देखेंगे. पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने को मिला था. एक तो आपके दो आपको देखने को मिलेगा, दो बहुत बड़ा असैसिनेशन होता है. विल कंटिन्यू इन दिस वीडियो इटसेल्फ कि कौन कौन सा दो बड़ा असैसिनेशन होता है. साथ ही साथ पॉलिटिकल अनरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि वियतनाम वॉर जो है कहीं ना कहीं क्या वो यूएस के फेवर में ही जाता है, बट स्टिल क्योंकि लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे यूएस के अंदर ही एंटी वॉर मूवमेंट्स लाकर, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट एक तरीके से लोग क्रिएट करके, बल्कि जो सिचुएशन यहाँ पे चल रही थी बिकॉज ऑफ योर कल्चरल रिवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रोटेस्ट, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्टिविज्म यू कैन से, तो इसी की वजह से पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है वो देखने को मिला, और इसी की वजह से ही आपको सोशल चेंजेस आना यहाँ पे शुरू हुई, जहाँ पे पुराने ट्रेडिशनल नॉर्म्स या वैल्यूज या रूल्स जो भी आप बोलो वो रिजेक्ट होना शुरू हो गई थी. ये मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दी है कि आइडियोलॉजी ये था कि हमें इन्वायरमेंटल पे फोकस करना, यानी इन्वायरमेंट पे फोकस करना. इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर नेचर बट आल्सो रिलेटेड टू योर ह्यूमन. ह्यूमन आर आल्सो पार्ट ऑफ एन्वायरमेंट, राइट? तो ह्यूमन को यहाँ हमें प्रोटेक्ट करना, इन द सेंस ह्यूमैनिटी पे ज्यादा फोकस करना, रादर देन फोकसिंग अपॉन योर क्लास, योर कैपिटलिज्म एंड एवरीथिंग. सोशल इक्वलिटी यहाँ पे ब्रिंग करने की, सिंपल एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ना कि अगर हेट्रोसेक्सुअल
को राइट्स है तो होमोसेक्सुअल को राइट्स क्यों नहीं है, और यही सारी क्वेश्चंस उठने लगी और यही सारी क्वेश्चंस का आंसर लाने के लिए सोशल इक्वलिटी जनरेट किया जाने लगा। एंटी अथॉरिटेरियनिज्म में क्या होता है कि अथॉरिटी को यहाँ पे कहीं ना कहीं वो लोग रिजेक्ट कर रहे थे और इंडिविजुअल लिबर्टी मांगने की कोशिश कर रहे थे कि आप जो है हमें कंट्रोल करके रखे और हम लोग रोबोट्स नहीं हैं जो कि कंट्रोल हो गए। वी समवेयर वॉन्ट आर इंडिविजुअलिज्म विथ आर सेल्फ और इसे बर्बाद नहीं हम लोग कर सकते हैं। पॉलिटिकल मूवमेंट ये 1960 से 70s में आपका चला था, 60s में पीक पे गया था, 70s में इसका पीक जो है वो कंटिन्यू ही चलता है। इसकी अगर बात की जाए तो ये फोकस किस पे किया था, न्यू लेफ्ट जो आपका स्टैटिज्म पे, फेमिनिज्म पे, गे राइट पे, ड्रग पॉलिसी रिफॉर्म पे और नियो मार्क्सिज्म पे भी ये फोकस करता है। रिजेक्शन में क्या है, जो सो कॉल सोशल ऑर्डर चलते आता है कि फीमेल है तो वो फेमिनिन की तरह बिहेव करेंगी, मेल है तो वो मैस्कुलिन की तरह बिहेव करेंगे और जो होमोसेक्सुअल है वो डर कर दब कर रह जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं सोशल ऑर्डर जो है वो धीरे धीरे हटने लगा। आप जेंडर रोल में भी यही डाल सकते हो, है ना। और सोशल ऑर्डर में ये भी आपको डालने की जरूरत है कि कहीं कहीं पे जो है वो मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास लोगों को, स्पेशली वर्किंग क्लास लोगों को अलाउ नहीं था, वो सारी चीजें भी हटने लगी क्योंकि जब सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करने लगे तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें सोशल ऑर्डर में जो अभी तक ट्रेडिशनली चलते आई है वो खत्म हुई ही हुई थी। ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज भी जो चल रही थी इतने डेकेड से, जमाने से, कि नो वी विल अरेंज दिस, वी विल अरेंज दैट, विल find a perfect ब्राइड फॉर यू या फिर परफेक्ट हस्बैंड फॉर यू या फिर जो भी चीज़ें, एक मैं बस एक एग्जांपल ले रही हूँ, वो सारी ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज भी यहाँ पे खत्म होने लग गई थी, जो कि जमाने से एक रूल चला आ रहा था कि व्हाट इफ सोसाइटी ऐसा सोचेगा, व्हाट इफ ये वैसा सोचेंगे, वो अब यहाँ पे अमेरिका, वो तो अभी भी चल ही रहा है, राइट, वो अभी भी चल रहा है, बट उस समय ये सारी क्वेश्चन जो है वो उठना शुरू हो गई थी। मार्क्सिस्ट हिस्टोरिकल थियरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, यहाँ पे अब चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास पे फोकस ना करके ओवरऑल ह्यूमन और ह्यूमैनिटी और इंडिविजुअलिज्म और लिबर्टी पे ज्यादा फोकस की गई है। तो कहीं ना कहीं एक जो हिस्टोरिकल थियरी अब तक जो मार्क्सिस्ट उठाकर लेते आए हैं कि अरे क्लास स्ट्रगल है, बस क्लास पे फोकस करो, ये करो, वो करो वगैरह वगैरह, देन विल सॉल्व, देन सारी चीजें जो है वो सॉल्व हो जाएगी। बट क्या आपको लगता है कि होमोसेक्सुअल लोग जो है वो सिर्फ वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं? वो तो फिर लव का, यू वोंट सी दैट कि देयर इज एनी क्लास इन लव। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं क्लास स्ट्रगल को रिजेक्ट करके ह्यूमन स्ट्रगल को यहाँ पर ज्यादा फोकस किया गया है आपके न्यू लेफ्ट वाले कॉन्सेप्ट में। थोड़ा कंपैरिजन यहाँ पे देख लेते हैं कि ये ओल्ड लेफ्ट क्या है और न्यू लेफ्ट क्या है, बट उससे पहले ये भी चीजें देख लेते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट आया था न्यू लेफ्ट का, इसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट कौन थे, तो स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स जो है वो निकल कर बाहर आने लगे, जो यूथ थे एक्चुअली वो बाहर आने लगे और वो ये सारी चीजों, मतलब जगह जगह प्रोटेस्ट, इट वॉज नॉट जस्ट इन यूएस की ये सारी चीजें चल रही थी, बट यूरोप के भी बहुत सारे पार्ट में ये सारी चीजें चल रही थी उस समय। ओल्ड लेफ्ट की बात की जाए तो मैंने ये शुरू ही आपको मैंने बताया कि इकोनॉमिक गोल यहाँ पे फिक्स्ड है, यानी कि फोकस किस पे रहेगा, फोकस आपका इकोनॉमिक गोल कि ये क्लास डिवीजन जो कि चलते आया है इतना ट्रेडिशनली, वो यहाँ पे रिजेक्ट करके यहाँ पे सोशल जस्टिस की मांग की गई है न्यू लेफ्ट में कि हमें सोशल जस्टिस दे तो वो हमें ज्यादा वी विल फोकस ऑन दैट और वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा दैन टू योर इकोनॉमिक गोल्स या फिर इकोनॉमिक जस्टिस इन एनी वेज। नेक्स्ट इज योर रिवोल्यूशन मोर रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। ओल्ड लेफ्ट में जो भी चीजें होती थी वो पॉलिटिक्स रिलेटेड ही बंद कर रह जाती थी, वो इंडिविजुअल लोगों पे फोकस नहीं कर पाता था। वही न्यू लेफ्ट क्या है कि न्यू लेफ्ट जो है वो स्टूडेंट्स के अराउंड, क्योंकि स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था इसीलिए आपको इसमें स्टूडेंट्स मिलेंगे। और इसी में ही आप एक पॉइंट ऐड कर लेना कि यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म को ज्यादा फोकस किया गया था रादर देन योर पॉलिटिक्स और रादर देन योर ग्रुप। इसमें क्या होता था ना कि अगर किसी की सत्ता चली तो चली, अगर टेस्ट हुआ तो उसका पूरा का पूरा सत्ता जो है वो ढह जाता और फिर एक नए रिजाइम जो है वो आती थी सामने ओल्ड लेफ्ट में। बट न्यू लेफ्ट में कभी भी ऐसा कोशिश नहीं किया गया कि जो भी रूल कर रहे हैं अंटिल अनलेस वो बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप वाली अपनी क्वालिटी दिखा रहे हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रिजाइम जो है वो चेंज हो गया या फिर पूरा का पूरा कंट्री जो ही है वो ठप पड़ गया। ऐसा आपको ओल्ड लेफ्ट में देखने को मिला था, बट न्यू लेफ्ट में ऐसा कुछ भी चीज नहीं हुआ था, ना ही यहाँ रिजाइम चेंज हुआ था, ना ही यहाँ पे कोई भी कंट्रीज जो है उसे उठाकर फेंक
दिया गया या फिर उसे जो है वो बॉयकॉट कर दिया गया या फिर उसके पॉलिसीज को बॉयकॉट किया गया। जनरली यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ कि इट वॉज अ रिवोल्यूशन और इट वॉज अ होल मूवमेंट रिलेटेड टू योर इंडिविजुअलिज्म, राइट, रिलेटेड टू योर ह्यूमैनिटी rather than political. अगर ये सारी चीजें political होती तो कहीं ना कहीं regime जो है वो changed हो जाती, but यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ political political चीजें भी थी, but majority में अगर देखा जाए तो social चीजें ज्यादा यहाँ पे focus की गई है new left में. Now attendance अगर मानी जाए कि focus क्या था, क्या जैसे कि old left में जब भी protest हो रही है, जब भी revolution लाने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पे anarchy और destruction आपको देखने को मिलेगा. लेकिन न्यू लेफ्ट में जो सारी चीजें यहाँ पे पीस में लाने की कोशिश की गई है ना, सारी चीजें यहाँ पे पीस में लाने की कोशिश की गई है. इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे जब यूथ और स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो रादर देन एक होता है ना कि पत्थर मारना या फिर गैस के गोले फेंकना वगैरह वगैरह, वो इस्तेमाल ना करके या फिर फिजिकली वो खुद को इस्तेमाल ना करके वो जनरली वर गिविंग फ्लावर्स अपने ओपोनेंट्स को, वो क्या कर रहे थे, फ्लावर्स दे रहे थे, राइट. जो भी लोग भीड़ को इकट्ठा कर रहे थे या फिर जो भी लोग एक्चुअली नॉट इकट्ठा बट जो भी लोग भीड़ के खिलाफ जा रहे थे, आपको देखने को मिलेगा कि वो सारे लोगों को वो क्या कर रहे थे, फूल दे रहे थे, हग कर रहे थे एंड वो लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे रादर देन पुशिंग देम आउट ऑफ दैट सर्कल, है ना. तो अगर टेनेट की बात की जाए तो इक्वलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर इंडिविजुअल, चाहे वो कोई भी जेंडर का हो, चाहे वो कोई भी सेक्स का हो, चाहे वो कोई भी क्लास का हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो, इक्वलिटी सभी में आएगी, सब बराबर, सब ह्यूमन जैसे ही ट्रीट किए जाएंगे, सारा जेंडर, सारा सेक्स, सारा क्लास. यहाँ पे मल्टीकल्चरलिज्म, अब क्या था ना कि बहुत सारे लोग, इसी में ही आगे आपको देखने को मिलेगा योर अमेरिकन इंडियन वाला मूवमेंट, यहाँ पे चीजें आएगी, बट मल्टीकल्चरलिज्म को यहाँ पे प्रमोट किया गया है. मल्टीकल्चरलिज्म को यहाँ पे प्रमोट किया गया है कि एक कल्चर नहीं बल्कि सारे कल्चर्स जो है यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग जो है वो निकल कर चीजों को प्रोटेस्ट कर रहे थे, चीजों को डिमांड कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वन ऑफ देम वाज आल्सो कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स जो है वो उभर कर आ रहे थे और एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चर, और वही आपका देखने को मिलेगा इन्वॉल्वमेंट और इवॉल्वमेंट ऑफ कल्चर, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिला है. तो मल्टीकल्चरलिज्म को भी यहाँ पे फोकस किया गया है, पीस लाई गई है और पीस के थ्रू ही ये पूरा का पूरा चला है आपका न्यू लेफ्ट का कॉन्सेप्ट, या फिर जो भी 1960s में आपका बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट चीजें चली है वो भी. इक्वलिटी तो मैंने बताई थी, इक्वलिटी गलती से मैंने दो बारी लिख दी है यहाँ पे. अब आते हैं कि क्या क्या, कौन कौन से ऐसे इवेंट थे जो कि कहीं ना कहीं लीड किया है न्यू लेफ्ट को. स्पेशली हम लोग 1968 और 69 वाली ईयर पे फोकस करेंगे. इसमें से एक है आपका मेक्सिको ओलंपिक्स, जस्ट अ मिनट, इसमें से एक है आपका मेक्सिको ओलंपिक्स 1968. क्या हुआ था कि पहली बारी मेक्सिको में या फिर लैटिन अमेरिका में आपको, या फिर स्पैनिश स्पीकिंग कंट्री में जो है आपको देखने को मिलेगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी, और ये काफी बड़ा मोमेंट था मेक्सिको के लिए और मेक्सिकन लोगों के लिए भी. बट लोग इससे खुश नहीं थे क्योंकि उस समय मेक्सिको में चीजें जो है वो स्टेबल नहीं चल रही थी, स्पेशली इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं चल रही थी. तो स्टूडेंट्स, यूथ सारे जो है पॉलिटिकल चेंज मेक्सिको में लाने की कोशिश कर रहे थे और वो सड़कों पे उतर आए थे, और जिसकी वजह से जो है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों, क्योंकि जो भी चीजें, जो भी गवर्नमेंट को एक्चुअली लोगों पे स्पेंड करना चाहिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए, फिर पॉलिसी में मनी डालनी चाहिए, वो सारी की सारी मनी कहाँ जा रही थी, मेक्सिको ओलंपिक्स जो 1968 में होने वाली थी उसको अरेंज करने में, उसकी सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था. और इसी की वजह से ये था कि स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि हमें एक पॉलिटिकल चेंज चाहिए, हमें चाहिए कि इकोनॉमिकली हमें भी सपोर्ट किया जाए, इकोनॉमिकली जो है वो चीजें इधर ओलंपिक के जगह देने के जगह हम लोग जो है वो नॉर्मल पीपल, वर्किंग क्लास लोगों के लिए स्पेंड कर सकते हैं. तो ये लोग क्या थे, ये सारे जो भी प्रोटेस्टेंट थे वो पीसफुली ये सारी चीजें कर रहे थे और वो गवर्नमेंट के खिलाफ थे कि क्यों गवर्नमेंट इतना मनी जो है वो समर ओलंपिक जो उस समय होने वाला था उस पर फोकस कर रहा है ना.
नेक्स्ट इज योर अमेरिकन इंडियन मूवमेंट, जिसे AIM एम भी बोलते हैं. नाउ क्या था कि अमेरिकन इंडियंस उस समय रह रहे थे और नेटिव थे अमेरिका के, तो उनका एक उन्हें जो है इक्वल राइट्स मिल नहीं रही थी. उन्हें जो है वो डिस्क्रिमिनेशन झेलने को मिला था बिकॉज ऑफ देयर फेस कलर, मतलब रेस कलर एक्चुअली, बिकॉज ऑफ देयर रेस. बट क्योंकि वो नेटिव थे फिर भी उन्हें राइट नहीं मिल रही थी. यही कारण हुई कि ये अमेरिकन इंडियन मूवमेंट, ये मूवमेंट सामने आया, क्योंकि उनका ये कहना था कि बाहर से लोग जो है वो आ रहे हैं, बस रहे हैं और यहाँ पे उन्हें जॉब मिल रही है, बट हम लोग अमेरिकन होते हुए भी, भले हम लोग डिफरेंट रेस के हैं बट हम तो नेटिव अमेरिकन हैं, हम अमेरिकन इंडियन होते हुए भी हमें क्यों जॉब नहीं मिल रही है, क्यों हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, क्यों हम पे फोर्स डाला जा रहा है, हमें पुश किया जा रहा है. तो ये फोकस जनरली किस पे किया था, पुलिस ब्रुटैलिटी पे, पॉवर्टी पे इसकी फोकस रही कि हम ही क्यों गरीब रह जाए और बाहर के जो लोग आ रहे हैं वो अमीर बनते जाए. तो ये फाउंडेड आपका हुआ था अमेरिकन इंडियन मूवमेंट जो है वो इसका सेंटर मिनेसोटा में था, और ये भी 1968 की ही ये कहानी है. नेक्स्ट इज योर टेट ऑफेंसिव. टेट ऑफेंसिव बेसिकली यहाँ पे वियतनाम वॉर से रिलेटेड है. जनरली अगर आपको वियतनाम वॉर का अगर पता होगा सिचुएशन, तो कुछ कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वेट कॉन्ग और नॉर्थ वियतनामीज पीपल आर्मीज ऑफ वियतनाम, यानी कि नॉर्थ वियतनामीज आर्मी जो है और वो वेट कॉन्ग जो है, ये दोनों एक तरफ थे और वो अटैक किए थे साउथ वियतनाम पे, यानी साउथ वियतनामीज आर्मी पे. और उनके साथ कौन थे सपोर्ट में, साउथ वियतनामीज आर्मी के साथ जो है वो यूनाइटेड स्टेट के एक्चुअली आर्मी थे. यानी देखोगे तो नॉर्थ के साथ वेतकोंग है और इधर साउथ के साथ जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स थे. बट नॉर्थ और वियतकोंग जो है उन्होंने अटैक किया था 30 जनवरी को उन्होंने अटैक किया था. और आपको देखने को मिलेगा कि इसका रिजल्ट ये होता है, ये वॉर जो है वो बहुत भयंकर चलती है, बहुत भयंकर, बहुत इसमें अनार्की डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगी. रिजल्ट ये होता है कि ये चीजें जो है किसके फेवर में जाती है, यूएस और साउथ वियतनाम के फेवर में जाती है, उनकी विक्ट्री होती है. बट फिर भी क्या होता है, टेट ऑफेंसिव में आपको देखने को मिलेगा कि लोग यहाँ पर सामने उतरने लगते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, वियतनाम के, यूएस के सोल्जर्स मारे गए, नॉर्मल पीपल भी सफर किए हैं. कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी जो है वो पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो ही गया था वियतनाम में और यूएस में भी. इसीलिए वियतनाम में भी और यूएस में भी आपको देखने को मिलेगा प्रोटेस्ट, जो कि अगेन यूथ के द्वारा ज्यादा लीड की गई. ऐसा नहीं मैं बोलूंगी सिर्फ यूथ ही थे, यूथ के द्वारा ज्यादा लीड की गई और यहाँ पे डिमांड किया गया एंटी वॉर का और पीस का डिमांड किया गया था. इसके अलावा स्टोन वॉल रायट आपको देखने को मिलेगा. ये 1969 में हुआ था स्टोन वॉल रायट. स्टोन वॉल रायट में हुआ ये था कि जैसे कि उस समय होमोसेक्सुअल रिलेशन या फिर किसी भी तरीके से होमो रिलेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो इसीलिए, और इनफैक्ट उनके खिलाफ लॉ भी बनी हुई थी. इसी की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि स्टोन वॉल का जो जगह है वहां पर एक पब हुआ करता था. वहां पे लोग जो है, जितने भी होमोसेक्सुअल लोग जो है, वो पब जो है वो छुपा हुआ था और लोगों को उतना जानकारी नहीं था उस पब के बारे में. तो होमोसेक्सुअल लोग जो उस पब में जाया करते थे और वहां पे वो फ्री फील किया करते थे, क्योंकि वहां पे रहने आने वाले लोग, उस पब में जितने भी लोग ही थे वो होमोसेक्सुअल थे, नहीं तो होमोसेक्सुअल सपोर्टर हुआ करते थे. अब क्या होता है, पुलिस को पता चल जाती है ये सारे किस्से जून 1969 में, और पुलिस एक दिन आके रेड करती है. दैट इज योर 28 जून 1969 में पुलिस आती है और वो जगह को रेड करती है, और वॉयलेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है पुलिस के द्वारा, जिसमें बहुत सारे होमोसेक्सुअल लोग जो है वो हर्ट होते हैं. और तभी से उसके अगले दिन से ही ये प्रोटेस्ट और ये रिवॉल्यूशन शुरू होता है बाय होमोसेक्सुअल पीपल एंड दोस पीपल हु वर सपोर्टिंग होमोसेक्सुअल, राइट. तो यहाँ पे ये चीजें शुरू होती है और अभी तक ये चीजें जो है, जब भी इसकी एनिवर्सरी आती है तो गे लिबरेशन डे उसे, या फिर गे लिबरेशन मूवमेंट डे जो है उसे माना जाता है. तो ये प्रोटेस्ट जो है वो LGBTQ कम्युनिटी के द्वारा की गई थी, और फिर फाइनली इसी प्रोटेस्ट की वजह से आपको देखने को मिलेगा एक नया चेंज जो है वो जेंडर, सो कॉल्ड जेंडर नॉर्म्स और जेंडर सोशल यू कैन से रूल्स या फिर
स्ट्रिक्टनेस जो भी आया था, लॉ था, जो भी उसमें चेंज देखने को मिलेगा। तो ये तो चार इंपॉर्टेंट चीजें जो 1968-9 में हुई थी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी दो बहुत बड़ा असैसिनेशन हुआ था, एंड दैट इज योर मार्टिन लूथर किंग का असैसिनेशन, जो कि कहीं ना कहीं पीस को सपोर्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो है वो रेसिज्म को खत्म करना चाहते थे, उनका असैसिनेशन होता है। और एक फेमस रॉबर्ट कैनेडी का भी असैसिनेशन होता है, हु वाज आल्सो सपोर्टिंग द सेम थिंग, राइट। तो ये दो असैसिनेशन भी है लीड करता है ये सारी चीजों को, न्यू लेफ्ट की चीजों को, कि वी डोंट वांट नाउ इकोनॉमिक काइंड ऑफ गोल्ड और इकोनॉमिक काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, जिसे तुम सो कॉल्ड स्टेबिलिटी बोल रहे थे, वी वॉन्ट ह्यूमैनिटी टू बी प्रेजेंट, वी वॉन्ट सोशल चेंजेस, दैट्स इट। फिर इसके अलावा आपको मालदीव भी मिलेगा, दैट इज योर मेक्सिकन अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशनल फंड। ये एक नॉन प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन अरेंज किया गया था, नेशनल था, ये सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि 1968 में फॉर्म किया गया था बाय जैक ग्रीनबर्ग। इसमें क्या था कि जो भी लैटिन के लोग हैं जो यूनाइटेड स्टेट में रह रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने का ये राइट, यानी मैक्सिकन अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशनल, कि उन्हें प्रोटेक्ट करने का और उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करने का, ये आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। तो मालदीव भी इसी ईयर में ही आपको 1968 में मिला। शिकागो डीएनसी भी ये इसी आपको 1968 वाले ही ईयर में आपको देखने को मिला। यानी ये एक ऐसा ईयर बना 1968, फिर 1969, ये एक ऐसा ईयर बना जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड में आपको देखने को मिली। और यहीं से जो है, क्योंकि यूथ की पार्टिसिपेंट इसमें ज्यादा रही, स्टूडेंट की पार्टिसिपेंट ज्यादा रही, और पीसफुली चीजों को लाया गया रादर देन वॉर, या फिर रादर देन चेंजिंग द रिजाइम, या फिर पॉलिटिकल फोकस, या फिर इकोनॉमिक फोकस, कुछ भी नहीं थी, बल्कि हमें सोशल चेंज चाहिए था। हम ये चाहते हैं कि हमारी भी इंडिविजुअलिटी आप एक्सेप्ट करो, हमारी जेंडर एक्सेप्ट करो, हमारी जो है जो भी चीजें हमें पॉइंट यहाँ पे हम रखना चाहते हैं फॉर सेक ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी, जो कि एंटी वॉर है, वो आप सुनो और वो इक्वलिटी के थ्रू हमें आप दो। दैट वाज द मेन फोकस। लेफ्टिस्ट की बात की जाए तो कल्चरल स्टडीज में ऐसे तो बहुत सारे राइटर्स हैं जो कि न्यू लेफ्टिस्ट में फॉल करते हैं। उसमें से आपको फ्रांस फेनन मिल जाएंगे, पॉल स्टार्टे मिल जाएंगे, जॉन पॉल स्टार्टे, रेमंड विलियम्स, ईपी थॉमसन एंड हर्बर्ट मार्क्यूज। ये सारे राइटर्स को मैं एक एक करके मैं डील करूंगी, बट फिलहाल के लिए आप ये जान ले कि न्यू लेफ्टिस्ट ये सारे राइटर्स जो है या फिलोसफर्स जो है वो कल्चरल स्टडीज में फॉल करते हैं। इम्पैक्ट क्या हुआ पॉलिटिक्स के, भले इसका फोकस जो है वो मेन पॉलिटिक्स पे नहीं रहा, बट कुछ ना कुछ वे में आपको पॉलिटिक्स, क्योंकि अगर आप देखो मेक्सिको ओलंपिक्स, तो वहां पे वो लोग जो है वो गवर्नमेंट को चेंज करना चाहते थे, एक पॉलिटिकल रिफॉर्म लाना चाहते थे, वहां पे तो ये चीजें देखी गई। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म इंडीड जो है वो आई थी, मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉलिटिकल पॉलिसी लाने की कोशिश की गई और लाई भी गई, रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि भले ये स्टूडेंट्स ने शुरू किया, बट आगे जाकर ये इन्हें ये पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो भी ऑपोजिशन में रहे, वो जो है वो रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ एक पॉइंट बनाकर वो प्रेजेंट किए गए कि ये सारी चीजें फुलफिल नहीं की गई है, तो ये सारी चीजों को फुलफिल किया जाए। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी हुआ है यहाँ पे, ग्रास रूट मूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगी, कि जो जो चीजें को छोड़ दिया गया था इसके आने वाले इसके पहले रेवोल्यूशन में या इसके पहले मूवमेंट को, वो सारी चीजों को वापस से लाई गई है और सोशल चेंजेस लाने की कोशिश की गई है, पॉलिसी बनाने की कोशिश की गई है, लीगली और सोशली भी, दोनों तरीके से। कल्चर इन्फ्लुएंस की यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन मिलेंगे, यानी इसमें आपके जितने भी आर्टिस्ट वगैरह आए थे वो क्या कर रहे थे, वो पूरी तरीके से लिबरल होके, पूरी तरीके से फ्री होकर वो चीजों को क्या कर रहे थे, क्रिटिक कर रहे थे। इवन जो उनका प्रोटेस्ट भी था वो इटसेल्फ वाज एन आर्ट। जस्ट थिंक अबाउट इट ना, कि जनरली ये चीज आपको कोविड में देखने को मिली, जब लॉकडाउन थी और लोग जो है वो मास्क नहीं पहन रहे थे, तो बहुत सारे स्कूल के बच्चे या फिर जो भी पुलिस ऑफिसर्स थे या फिर ट्रैफिक पुलिस थे या फिर आपके स्टूडेंट्स थे, यानी जो भी बहुत सारे लोग जो है, उन्हें डांटने फटकारने के जगह उन्हें क्या कर रहे थे, गुलाब का फूल दे रहे थे, कि पीसफुली उन्हें रिमाइंड कर रहे थे कि यू शुड वेयर मास्क, इट इज नॉट सेफ फॉर यू एंड नॉट सेफ फॉर अस एज वेल। तो यही चीजें क्या है, ये इट सेल्फ इज अ आर्ट, राइट। तो आपको देखने को मिलेगी
कि एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है वो आई है, किस तरीके से जो भी प्रोटेस्ट और जो भी रेबेल यहाँ पे चीजें आई है उसके थ्रू म्यूजिक लिटरेचर में भी ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस हुई है। क्योंकि आप देख लो ना, हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स है और हम लोग इसे कल्चरल स्टडीज में पढ़ रहे हैं एज अ न्यू लेफ्ट टॉपिक है, तो लिटरेचर में भी आई है ये, म्यूजिक में भी आपको देखने को मिलेगा और ये सिनेमा में भी आगे जाके जो है वो चेंजेस आई है। काउंटर कल्चर मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा आया है, क्योंकि खुद ही में क्या था, ये न्यू लेफ्ट जो एक काउंटर कल्चर मूवमेंट है ऑफ 1960s। ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल भी यहाँ पे मिल गई, क्योंकि कहीं ना कहीं एक शिफ्ट हुआ। अब भाई फैमिली ट्रेडिशन इतने जो लंबे समय से चलते आया लॉ है, लंबे समय से चलते आया जो फैमिली ट्रेडिशन है या जो सोशल नॉर्म्स है वो चेंज हुआ है, तो ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल भी चेंज हो ही गई है ना। तो ये आपको देखने को मिली, चाहे वो कम्युनल लिविंग हो या फिर इंडिविजुअल लिविंग हो या फिर फैमिली लिविंग हो, सब वे में आपको चेंजेस देखने को मिली ही मिली है। ओके, लास्ट स्लाइड इज योर सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट्स भी आपको देखने को मिला है विथ योर कम्युनिटी एक्टिविज्म, एडवोकेसी नेटवर्क और ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको मालदीव दिया है, राइट, इफ यू रिमेम्बर राइट नाउ। या मालदीव जो है वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल यू विल फाइंड। ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो कि सोशल चेंजेस लाने की कोशिश की गई ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कम्युनिटी एक्टिविज्म भी आपको देखने को मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ग्रास रूट पे ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो वो कम्युनिटी एक्टिविटीज को भी सपोर्ट करे, और अगेन और वाइस वर्सा, अगर कम्युनिटी एक्टिविज्म है तो वो भी क्या करे, ग्रास रूट पे ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म कर ही रही है। एडवोकेसी नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं एक एडवोकेसी नेटवर्क जो कि बहुत सारे सोशल कॉजेस को वो क्या कर रहा है, वो कॉजेस को वो सपोर्ट कर रहा है। तो ये ऑल इन ऑल आपकी जानकारी थी रिलेटेड टू योर न्यू लेफ्ट। प्रोग्रेस की बात की जाए तो यहाँ पे सोशल चेंज तो आया ही आया, क्योंकि वही एम था, साथ ही साथ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी था, तो पॉलिटिकल चेंज भी आया। लेगेसी की बात करें तो ये बहुत ज्यादा अभी के भी ये कंटेम्प्रेरी जो भी रिवोल्यूशन होती है या मूवमेंट होती है, कहीं ना कहीं वो सारे लोग जो है या फिर वो सारे रिवोल्यूशन या मूवमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस हो रखा है ऑफ 1960s मूवमेंट। परफेक्ट एग्जांपल है कि अब हर साल हम लोग देखते हैं कि 29 जून और 28 जून को हर साल जो है वो गे लिबरेशन डे मनाया जाता है, वाई, और सारे लोग जो है वो परेड निकाल के एक तरीके का वो क्या करते हैं, एक तरीके का परेड निकालते हैं और सर को पराते हैं उस दिन फॉर योर होमोसेक्सुअल राइट्स, चाहे वो राइट्स लीगल हो या फिर सोशल हो, राइट, वो आते हैं। तो ये क्या है, इवन कंटेम्प्रेरी दुनिया में भी आपको ये चीजें देखने को मिलेगी कि वो जो स्टोन वॉल राइट हुआ है उसी से इन्फ्लुएंस होकर लोग जो है अभी भी ये सारी चीजें मनाते हैं। और फ्यूचर इंप्लीकेशन ये भी है कि जब तक सोशल चेंजेस पूरी तरीके से आ नहीं जाएगी, जहां पे सारी चीजें एक्सेप्टेबल है, इंडिविजुअलिज्म एक्सेप्टेबल है और ह्यूमैनिटी को ज्यादा दिया जा रहा है बेनिफिट या फिर ज्यादा जो है वो प्रमोट किया जाएगा, तो जब तक ये नहीं किया जाएगा तब तक आपके इसके फ्यूचर इंप्लीकेशन देखने को मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो ये था आपका ऑल इन ऑल क्लास रिलेटेड टू न्यू लेफ्ट। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बिल्कुल आप बताएं कि आप कौन सा नेक्स्ट कल्चरल स्टडीज के टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं। और अगर आप जो है ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन एट एनी टाइम। यू कैन मेल मी एट kumarikritiraj@ugcnet.com या फिर आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है, जिसकी टारगेट यूजीसी नेट भी होगी, सीयूईटी भी होगी, गेट भी होगी, ऑल इन ऑल जितनी भी लिटरेचर एग्जामिनेशन है वो टारगेट होगी, राइट। ये 5 महीने का कोर्स रहेगा, जब भी जिस दिन भी आप शुरू करोगे, जिस दिन भी आप ये कोर्स खरीदोगे, वहां से 5 महीने की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, और जिसमें आपके ब्रिटिश लिटरेचर से लेके वर्ल्ड लिटरेचर, क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज, थियरी, सब की क्लासेस करवाई जाएगी और हर क्लासेस के आपके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच, इट वाज अ ग्रेट क्लास, थैंक यू, एंड आई होप कि क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। All right.